पार्टी, मैं राहुल भाटी एक बार फिर से आपके सामने एक नई ट्रिक की वीडियो लेके। इस ट्रिक की वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने माइंड में, और माइंड में भी आपको ज्यादा देर नहीं लगने वाली, वो भी आप सिर्फ निकाल लेंगे इन सेकेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम सीखने वाले कि हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स विच आर परफेक्ट इन योर माइंड्स। अब इसके लिए कुछ आपको खास बातें, कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ याद रखना, सिंपल से आपको 1 to 10 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए, वो जनरली होते ही है सभी को। और आपने देखा हो क्यूब रूट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके एकेडमिक में रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यूज पड़ जाता है, कॉम्पिटिशन लेवल में काफी क्वेश्चन है, तो काफी यूजफुल ट्रिक आपके लिए ये होने वाली है। तो क्या याद रखना है, सिर्फ आपको 1 to 10 तक के क्यूब, जिसको याद नहीं है उसके हेल्प के लिए मैंने पहले से लिख दिया, देखिए जरा 1 to 10 तक के क्यूब। इसके साथ साथ आपको कुछ एक बात और याद रखनी है कि किस क्यूब की यूनिट डिजिट क्या आती है। अब आप बोलेंगे सर हमें तो क्यूब ही लर्न नहीं है, अभी यूनिट डिजिट कैसे याद रहे, उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रहने वाली है। तो आपको क्या याद रखनी है, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, आपको याद रखनी है यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब। अब कैसे याद रखने, ये जो यूनिट डिजिट है क्यूब की, जितने भी क्यूब लिखे हैं, इसमें दो तरह की यूनिट डिजिट होती है, या तो इंटरचेंज या सेम। आपको सिर्फ इंटरचेंज वाली याद रखनी है, जो इंटरचेंज है उसके अलावा जो बचेंगे वो सारी सेम हो जाएंगे। तो सिंपल सी है। अब सर इंटरचेंज वाली कौन सी, इंटरचेंज के लिए सिर्फ एक नंबर पकड़ो, कौन सा, टू, एक टू और टू से नेक्स्ट कौन सा, थ्री, तो एक टू और एक थ्री। तो इंटरचेंज वाला पहले पढ़ते हैं, इंटरचेंज एक टू और एक थ्री, टू का इंटरचेंज होता है एट, या एट का इंटरचेंज होता है टू। आप देख सकते हैं टू के क्यूब में एट आ रहा है और एट के क्यूब में टू आ रहा है। ऐसे थ्री का इंटरचेंज होता है सेवन, या हम बोलते सेवन का इंटरचेंज होता है थ्री, तो इंटरचेंज वाले हो गए। अब इंटरचेंज के अलावा जो बचे बाकी वो सब सेम में आने वाले हैं, कैसे वो लिखिए जरा, सेम में कौन कौन से सेम, जो इसके अलावा जो सारे सेम है, जैसे कि जीरो वाले में जीरो आता है, चाहे यहां पे देख लो चाहे यहां पे देख लो, वन वाले में वन आता है, टू थ्री पहले आ गए, ऐसे ही फोर वाले में फोर आएगा, ऐसे ही आपके पास आप चाहे कंपेयर कर लीजिएगा, तो फाइव वाले में फाइव आएगा, सिक्स वाले में सिक्स आएगा, सेवन एट पहले ही जा चुके हैं, बचा कौन, नाइन, नाइन वाले में नाइन आएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये यूनिट डिजिट आपको पता लग गए। अब तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान ट्रिक है और आप सभी के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे सिर्फ अपने माइंड में। देखिए जरा, मैंने जो नंबर लिए वो सारे नंबर ऐसे लिए जिससे 4 to 7 डिजिट तक जा रहे हैं, देखो इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है, इसमें 7 डिजिट है, तो 4 to 7 में आप बड़े बड़े नंबर के क्यूब्स भी निकाल पाएंगे, वो भी सिर्फ अपने माइंड में। देखिए जरा कैसे, आप यूनिट देखो हर एक नंबर की, इसी यूनिट डिजिट क्या है, टू, टू किसके में आता है, अभी आपने बताया सर इंटरचेंज वाले में, तो टू किसकी यूनिट में आएगा, एट में, तो एट लिख दो। उसके अलावा उसके बाद क्या करना है, लास्ट के तीन नंबर को छोड़ दीजिए, लास्ट के तीन नंबर को छोड़ दीजिए, जो बचे कौन बचा, फाइव, उस फाइव को देखिए वो किन क्यूब्स के बीच में आता है, ये आता है वन और एट के बीच में आता है, तो उसमें आपको छोटे वाला प्रेफर करना है, ऊपर वाला, तो वन प्रेफर करना है, तो वन का क्यूब, वन किसका क्यूब है, वन का, तो आंसर हो गया 18। सिंपल सिंपल सा लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन होते चल जाएंगे आपके माइंड में। फिर से देखिए, फोर, फोर किसका क्यूब यूनिट डिजिट में आता है, फोर का, तो फोर में ही आता है, तो फोर लिख दो, लास्ट के तीन डिजिट को छोड़ दो। थर्टीन देखो, थर्टीन किसके बीच में आएगा, एट और 27 में, तो एट लेना है, एट किसका क्यूब, टू का, तो आंसर हो गया 24। सिंपल। फिर से देखो सेवन, सर सेवन तो इंटरचेंज वाला, किसका इंटरचेंज, थ्री का, तो थ्री लिखो, लास्ट के तीन नंबर को छोड़ दो, कौन बचा, 804, 804 देखो किसके बीच में आता है, 804 आएगा के बाद 5, 729 और 1000 के बीच में, तो छोटा वाला लेंगे 729, वो किसका क्यूब, 9 का, तो आंसर हो गया 93। इस तरीके से 7 डिजिट वाला देखिए, 8 किसके यूनिट में आता है, 2 के, इंटरचेंज वाला है, देखो जरा, तो 2 लिख दो, लास्ट के तीन डिजिट को छोड़ दो,
कितना बचा 1061, किसमें प्रकाश पड़ेगा 1000 के, तो नेक्स्ट ये होगा 1000 किसका क्यूब 10 का, तो आंसर हो गया 102। तो आपने देखा इस तरीके से हमने कैसे क्यूब रूट्स निकाल लिए, वो भी सिर्फ अपने माइंड में।